ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। धमतरी जिले के मुटपार ग्राम पंचायत के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से गांव में नरेगा के तहत स्वीकृत कार्य को जल्द प्रारंभ करने सहित गांव में पानी की समस्या को दूर करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृत हुए हैं, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुए, जिससे ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ग्रामीणों ने इन कामों को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की, ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। इस मामले में अपर कलेक्टर ने कार्य को जल्द प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। यहाँ जो जनदर्शन में आए हो, अपन गांव की समस्या लेके आए हो। हमारे गांव में अधिक जैसे काम वाम वगैरह कुछ भी नहीं है, सब आदमी जो है बेरोजगार बैठे, तो काम लेके आए हैं। प्लस और भी समस्या है, जैसे हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पिए के पानी नहीं है। प्लस जैसे नहाए खोरे कुछ भी तालाब में भी एकदम गंदगी हो गए है, वहाँ कीड़ा पैदा होते, तो सबसे बड़ी समस्या है। और हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे जो भी दिक्कत है वोला पूरा करें। सरपंच हाँ भर बोलते, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं करी, अभी सलूशन नहीं निकाले है। समस्या ये है पानी के, मरंगन के काम बन, हमारा रोजगार सह का काम नहीं देते। हम अना सब बैठे हैं और स्कूल के बारे से लड़का मना सब थारी धर धर के बाहर में धोल जाती, स्कूल में पानी नहीं है, ये समस्या है अभी हमारे गाँव। और काम जरूरी है, पानी जरूरी है, बस पानी सब लड़का मान थारी धर धर के बाहर में जाते पानी पर। मनरेगा कार्य हमारे गांव में नहीं चल रहा है, जो कि तीन कार्य स्वीकृत हुआ है, एक वन परिक्षेत्र माने कांस से रुका हुआ है, और मुड़पार में दो कार्य है जो सीमांकन कांस से रुका हुआ है। और पानी के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, जो कि जिस बोर से हम लोग पानी भरते हैं वो बोर का पानी बोर ख़राब हो गया है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वही आवेदन लेके कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि इस समस्या का निदान करें। करते हैं क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जल्द जल्द ये कार्य भी प्रारंभ हो जाए और पानी का समस्या खत्म हो जाए। जी हाँ, मुड़पार में करीब करीब 6-7 कार्य स्वीकृत हुआ है, लेकिन अभी तक कार्य अप्रारंभ है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार की शिकायत पत्र जनदर्शन प्राप्त हुई है। उक्त पत्र को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी को मार किया गया है आवश्यक कार्रवाई हेतु, और इस पर कार्रवाई की जाएगी और यथाशीघ्र स्वीकृत कार्य प्रारंभ कराई जाएगी। सर वहाँ पानी की भी समस्या बनी हुई 3-4 साल से, वो EPSG को भी मैंने मार्क किया हुआ है, वहाँ पे जांच करेंगे। पॉपुलेशन और एग्जिस्टिंग हैडपम्प की एक रेशियो होती है, ग्रामीणों को पेयजल की पर्याप्त मात्रा नहीं प्राप्त हो रही है, तो वहाँ पे बोर खुदाई की कार्य की जाएगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।